का एबीसी ट्रिकी धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली गाइस आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करेंगे, जो कि आप सबको बहुत ही यूजफुल ट्रिक, साथ ही एक नया ट्रिक है। तो आप सबको जरूर ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करने वाला हूँ गाइस, आप कोई भी एप्लीकेशन से अगर आप क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर करते हैं तो सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको 100 या 200 या 300 रुपए तक की ट्रांसफर कीजिए। अगर आप ज्यादा अमाउंट डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे तो कुछ इश्यूज हो सकता है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कभी भी अगर आप क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो 200 या 400 या 500 से शुरू कीजिएगा। जब आपका ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा फाइनली, उसके बाद जाके आप बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करने की कोशिश कीजिएगा। तो उससे पहले का अगर आपसे चैनल पर नए आए हैं तो जरूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सबके लिए मैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो लेके आता रहता हूँ टाइम टाइम पे। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो गाइस चलते अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और देखते हैं ये कौन सा एप्लीकेशन है और किस तरीके से अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर कर पाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। सो गाइज मैं फाइनली आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, पहुँच चुका हूँ प्ले स्टोर में। गाइज आपको प्ले स्टोर में आने के बाद एक एप्लीकेशन को सर्च करना पड़ेगा जिसका नाम है क्रेडिट क्या। आपको ये एप्लीकेशन बहुत ही इजी तरीके से प्ले स्टोर पर मिल जाता है, उसके बाद आपको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद कुछ आपको प्रोसेस होता है क्रिएट करने का, वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे, ओपन पर क्लिक करने के बाद क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप डालिए, उसके बाद फाइनल तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा अकाउंट। इस प्रकार यानी इंटरफेस जो होता है आप पूरा प्रोसेस इधर आपको दिखा रहा है कंप्लीट। यानी केवाईसी आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो बैंक अकाउंट में पैसा चाहिए वो बैंक अकाउंट इधर आपको ऐड करना पड़ता है। तो चलो फाइनल में आएगा प्रोसेस फिर देखते हैं। यानी इस पे एक पिक्चर डाला गया है, वो आपको स्लाइड करना है तो आपको पूरे तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन करना है, जैसे कि वन डेज, टू डेज या थ्री डेज आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी कौन सा डेज आपको क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करना है वो डेज आपको सेलेक्ट करना पड़ता है उसकी। यानी हाई सिक्योरिटी का फैसिलिटी इधर दिया गया है, यानी फ्रॉड होने का कोई भी चांस इधर से नहीं है। चलो फाइनली हम गो पे क्लिक करते हैं। गो इट पे क्लिक करने के बाद जो भी इसका प्रोसेस रहता है पूरा करता हूं। उसके बाद आपके मोबाइल पे कुछ आपको परमिशन लिया जाता है आपका मोबाइल का, जैसे कि लोकेशन को लेके, यानी किधर आपका मोबाइल है फिलहाल में वो लोकेशन का आपको अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर से अकाउंट को क्रिएट करना है वो मोबाइल नंबर इधर आप फिल कर दीजिए। चलो फाइनली अपना एक मोबाइल नंबर फिल करता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद फाइनली आपको जेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जो मोबाइल नंबर इधर आप फिल किए हैं उस मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, ये ओटीपी इधर आपको फिल करना पड़ेगा। ओटीपी फिल करने के बाद फाइनली आप वेरीफाई एंड प्रोसेस पे क्लिक करना पड़ता है। तो गाइस आप देखेंगे क्रेडिट क्या की तरफ से हमको एक ओटीपी आ चुका है 6 डिजिट का, ये ओटीपी इधर आपको फिल करना है। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप जब आप अकाउंट ओपन करेंगे, यानी जब एप्लीकेशन ओपन करेंगे, इसके लिए एक एम पिन सेट करना पड़ता है। तो आप अपने मन से 4 डिजिट का एम पिन इधर से आप सेलेक्ट कर लीजिए। चलो पहले अपना एक एम पिन 4 डिजिट का सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद केवाईसी के लिए कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कि मैं बताया कि आपको जब तक ये एप्लीकेशन केवाईसी नहीं करेंगे तब तक आप जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अपना आधार कार्ड का फ्रंट और बाइक का फोटो डालना है। उसके बाद फाइनली आप नीचे में एक ऑप्शन दिया गया है सेव का, तो फाइनली आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर से आपको एक पैन कार्ड का भी फोटो डाला जाएगा, तो आपको फोटो आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आप खुद का एक सेल्फी रहता है तो आप सेल्फी भी डाल दीजिएगा। ये सब पूरा प्रोसेस करने के बाद आपका अकाउंट फाइनली तरीके से चालू हो जाएगा। केवाईसी होने में 24 आवर्स से 36 आवर्स लगता है, यानी 3 दिन तक आपको वेट करना है, कभी कभी 2 दिन में भी ये इसका केवाईसी हो जाता है। उसके बाद गाइस इधर आप देख पाएंगे इधर ऑप्शन दिया गया है साथ में क्रेडिट कार्ड और वॉलेट का भी बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए। इसके लिए आप प्रोफाइल पर जब गाइस आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अभी मेरा जो अकाउंट जो है ये फुल केवाईसी मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि 24 आवर्स 36 आवर तक हमको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद ही आप सब ये एप्लीकेशन से मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। तो अभी मैं अगर कस्टमर केयर का अगर आप नंबर लेना चाहते हैं तो इधर आप पूरे फैसिलिटी दिया गया है, यानी आप कस्टमर केयर का नंबर भी इधर ले सकते हैं। और उसके बाद आपको बेनिफिशियरी ऐड करना कंपलसरी है, यानी आपको जो बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर करना है, यानी जो बैंक अकाउंट आपको पैसा चाहिए वो बैंक को इधर आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे तो ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है बेनिफिशियरी नेम का, नीचे में एक ऑप्शन मिलता है अकाउंट नंबर का, उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, उसके बाद आपको बैंक का स्टेटमेंट या तो आपको कैंसिल चेक बुक है तो उसका पिक खींच के आप इधर डाल दीजिए, आपका बेनिफिशियरी भी इधर से ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप जब भी मनी ट्रांसफर करेंगे तो आपको यही बैंक अकाउंट मनी आपका आता रहेगा। उसके बाद चलो फाइनली हम पे यूजिंग क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। पे यूजिंग क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको जितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना रहेगा वो अमाउंट इधर आपको चॉइस करना पड़ता है। तो चलो फाइनली हम अपना अमाउंट एक चॉइस करता हूँ 1000 चॉइस करने के बाद आपको एक पर्पस चॉइस करना पड़ता है, यानी किस पर्पस से आप अपना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो आप एक रीजन चॉइस कर लीजिए, उसके बाद आपको प्लान सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी कौन सा प्लान से आप इसको क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर कर पा रहे हैं। जैसे कि इधर आपको 3 ऑप्शन दिया गया है, एक तो सेम डेज दिया गया है
उसके सेकंड में यानी वन वर्किंग डेज दिया गया है और थर्ड में टू वर्किंग डेज दिया गया है। आपको इस तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगेगा, जिसमें चार्ज भी अलग अलग दिया गया है, जैसे कि पहला दिन में अगर आप ट्रांसफर करते हैं इंस्टेंट वाला, यानी पूरे 6 आवर्स के बाद, आप 6 आवर्स के बाद जब आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, उससे पहले आपको चार्ज के बारे में बता दूं कि एक जो पहला आप देखेंगे 3 रुपया, यानी 3 रुपया 5 पैसा का ऑप्शन दिया गया, उसके बाद 3 रुपया है, उसके बाद आपको नीचे में कुछ ऑप्शन दिया गया, यानी अब ये चार्ज जो है आपको 3% वाला हिसाब से आप कोई भी चार्ज ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी चार्ज आपको देख लेना है कौन सा चार्ज के हिसाब से आपका बैलेंस ट्रांसफर करना है। एक 2.5% का भी दिया गया, यानी आपको 2 रुपया 50 पैसा में भी आप सब दर से मनी ट्रांसफर कर पाएंगे, यानी सेम डेज अगर करते हैं तो आप सबके लिए बेनिफिट रहेगा, अदरवाइज आप 1 वर्किंग डेज या 2 वर्किंग डेज अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आप सब दर से कर सकते हैं। चलो फलिए, उसके बाद आपको बेनिफिशियरी एड करने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि आप अपना अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे में कैंसिल चेक बुक कीजिएगा, जब तक आप कैंसिल चेक बुक या बैंक स्टेटमेंट्स नहीं डालते हैं तब तक आप इधर से ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे अपना बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर। इसके लिए आप अपना एक बैंक अकाउंट जरूर आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद KYC जब आपका फाइनली तरीके से सबमिट हो जाएगा तो जाकर आप इधर से ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, और जब तक आपका KYC कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप ये एप्लीकेशन से क्रेडिट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। जो कि अभी तक मेरा जो वॉलेट KYC नहीं हुआ है, अभी आप देखेंगे मेरा पेंडिंग दिखा रहा है, तो अभी मैं ये ट्रांजेक्शन इधर से नहीं कर सकता हूं, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा किस तरीके से अपना इधर से ट्रांसफर कर पाएंगे बैंक अकाउंट में। मैं गाइस आप इससे पहले एक वीडियो बनाकर दिया था जिसमें मैं आपको बताया था कि क्रेडिट कार्ड का बैलेंस कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे बैंक अकाउंट में, तो वो एप्लीकेशन भी का नाम ही था क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट, यानी एप्लीकेशन का भी नाम था और ये एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट क्या। तो आप सबके लिए बहुत ही यूजफुल ये एप्लीकेशन है, आप सब अपना आसान तरीके से अपना बैंक बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक अकाउंट में। यानी क्रेडिट कार्ड का अगर आप सबको झंझटबाजी है, यानी आपको जो बहुत जरूरत है पैसा का, तो जाकर आप सब इधर से नॉर्मल सा एक प्रोसेस कीजिएगा, जैसे कि 500 या 1000 रुपए का ट्रांसफर कीजिएगा, जब तक आपका पूरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा एक, उसके बाद जाके आप अपना बड़ा अमाउंट इधर से मनी ट्रांसफर करने की कोशिश कीजिएगा। तो गाइस ये एप्लीकेशन है जो कि मैं आपको पूरे तरीके से इस वीडियो में समझाने की कोशिश की हूँ। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, जरूर वीडियो का लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप सबको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ इशू, ट्रांजेक्शन करने में कुछ दिक्कत हो रहा है या KYC के लिए कुछ प्रॉब्लम है, तो आप सब कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।